बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का यूपी दौरा आज, रामपुर बिजनौर में जनसभा को करेंगे संबोधित, बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे चुनाव प्रचार। तो जेपी नड्डा चुनावी दौरे पर रहेंगे, बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में करेंगे जनसभा। तो आपको बता दें, बिजनौर रामपुर में जनसभा को संबोधित करने पहुंचेंगे जेपी नड्डा। जेपी नड्डा जो कि रामपुर और बिजनौर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। और आपको बता दें, बिजनौर और रामपुर में जनसभा होगी जेपी नड्डा की। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे चुनाव प्रचार। जेपी नड्डा आज रामपुर और बिजनौर में सभा करेंगे और बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा होगी। तो रामपुर और बिजनौर में जनसभा करेंगे जेपी नड्डा। तो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रामपुर और बिजनौर में जनसभा को संबोधित करेंगे। यूपी में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे जेपी नड्डा और रामपुर में ये जनसभा होगी। तो नड्डा दोपहर 12 बजे रामपुर के मोदीपुर ग्राउंड में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और इसको लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। तो रामपुर में 19 अप्रैल को लोकसभा का चुनाव होना है, इसीलिए नड्डा जनता को वोट देने की अपील करेंगे। इसके बाद जेपी नड्डा बिजनौर में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो जेपी नड्डा का देखिए ये दो जगह का दौरा है, रामपुर का और इसके साथ ही साथ बिजनौर का। 19 अप्रैल को बात करें तो लोकसभा का चुनाव है रामपुर में, इसीलिए नड्डा जनता को वोट देने की अपील भी करेंगे। इसके बाद नड्डा बिजनौर में भी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। तो रामपुर में ये जनसभा होगी, इसके बाद जेपी नड्डा बिजनौर के लिए रवाना होंगे। तो लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी खासी एक्टिव हो गई है और लगातार उसके तमाम बड़े स्टार प्रचारक, तमाम नेता चुनाव प्रचार में पूरी तरह से जुटे हुए हैं। तो रामपुर और बिजनौर में जनसभा होगी जेपी नड्डा की। तो प्रथम चरण की वोटिंग के लिए बिजनौर और नगीना की सीट जीतने के लिए बीजेपी पूरी ताकत से जुटी हुई है। जेपी नड्डा वेस्ट यूपी की अपनी पहली सभा बिजनौर के धामपुर में संबोधित करेंगे। बिजनौर और नगीना लोकसभा क्षेत्र की सीट जीतने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है। जेपी नड्डा अपनी पहली सभा की बात करें तो बिजनौर के धामपुर में करेंगे। और लखनऊ का रुख करते हैं, रवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, वेस्ट यूपी को लेकर बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मैदान में है, क्या कुछ आज जेपी नड्डा की सभा में शामिल होगा, विस्तार से जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए।
जी देखिए, रवि। लोकसभा चुनाव की तारीख की घोषणा हो चुकी है और जिस तरीके से बीजेपी यूपी में मिशन 80 को पूरा करने का दावा कर रही है, उसी क्रम में जहां प्रचार प्रसार का भी शुरुआत हो चुकी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत कराई थी। अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है, उत्तर हाँ प्रदेश का दौरा है और रामपुर बिजनौर में जनसभा में संबोधित करेंगे और बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जो चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। और बिल्कुल ही मिशन 80 को पूरा करने के लिए जहाँ एक बड़ी टीम तैयार है बीजेपी की, तो इसमें एक बड़े स्टार प्रचारक के रूप में है जेपी नड्डा, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो आज यूपी के दौरे पर रहेंगे और काफी अहम दौरा रहने वाला है। रामपुर बिजनौर में जनसभा को संबोधित करेंगे और बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जो वोट जो जनता करे इसके लिए अपील करते हुए नजर आएंगे। और जिस तरीके से जो भी काम किया है उस कामों को लेकर भी कहीं ना कहीं जो जो बीजेपी है पूरी तरह आश्वस्त नजर आ रही है। लेकिन अब ये देखना होगा कि जो आज की जो जनसभा रहती है उसमें जेपी नड्डा की तरफ से क्या कुछ संबोधन रहता है और किस तरीके से जो वहां की जनता है उनसे अपील करते हैं वो बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने के लिए। जी बिल्कुल। और बात करें अगर हम बिजनौर की, दोनों सीट बिजनौर नगीना, जो कि 19 अप्रैल को यहां पर मतदान होना है, और यही वजह है कि पूरी ताकत बीजेपी समेत तमाम दलों ने झोंक दी है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है रवि, कि एनडीए जिस प्रकार से अभी वेस्ट यूपी पे बात करें तो आरएलडी का खासा समर्थन इस वक्त बीजेपी के बिल्कुल साथ में है, इसका कितना इम्पैक्ट देखने को मिलेगा नतीजों के तौर पर अगर हम बात करें वेस्ट यूपी की ये जो सीटें हैं। जी रवि, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो मिशन 80 को पूरा करने के लिए बीजेपी की पूरी कोशिश है। हाँ हाँ अब जेपी नड्डा काफी अहम दौरा है आज यूपी का और इस दौरान रामपुर बिजनौर जहां जनसभा को संबोधित करेंगे, वही बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट करने की अपील भी करेंगे लोगों से। और बिल्कुल ही काफी अहम दौरा है और इस दौरे के दौरान जेपी नड्डा है वो कहीं ना कहीं मिशन 80 को पूरा करने के तहत इसकी शुरुआत करते हुए नजर आएंगे और बीजेपी को जिस तरीके से एक अच्छी जो कह सकते हैं कि जो एक पूरी शुरुआत है भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, लेकिन उसका जो जो कोशिश है यानी कि मिशन से पूरा करने की वो पूरा हो, इसी के मकसद से जो जितने भी स्टार प्रचारक है बीजेपी के वो यूपी में प्रचार करते नजर आएंगे। जेपी नड्डा का काफी अहम दौरा है और इस दौरान रामपुर और बिजनौर में जनसभा अच्छा को संबोधित रवि, अगर करेंगे हम बात और बीजेपी करें वेस्ट यूपी की सीटों पर, इस वक्त समाजवादी पार्टी यानी कि इंडिया अलायंस कहां पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि रालोद और बीजेपी साथ में चुनाव लड़ रहे हैं, संयुक्त प्रत्याशियों को लेकर दोनों ही पार्टी एक मंच पर आ रही है और पूरी तरह से समर्थन कर रहे हैं, इसमें सपा कहाँ है, कांग्रेस कहाँ है, यानी कि पूरा इंडिया अलायंस किस तरह से दिखाई दे रहा है इस पूरी लड़ाई में? देखिए बिल्कुल, अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें समाजवादी पार्टी और भाजपा, राष्ट्रीय लोक दल और कई सारे दल ऐसे थे साथ में थे और जिसका फायदा भी हुआ था। लेकिन इस बार तस्वीर पूरी उल्टी नजर आ रही है, यानी कि उलट नजर आ रही है। बीजेपी जहाँ पूरी तरीके से स्वस्थ नजर आ रही है मिशन 80 को पूरा करने के लिए, भाजपा साथ में यानी पूर्वांचल में अच्छी जी पकड़ है जी भाजपा जी की साथ में, उसके अलावा राष्ट्रीय लोक दल इसका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अच्छी खासी जो पकड़ मानी जाती है तो वो भी बीजेपी के साथ में, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए तो काफी रहा आसान है। लेकिन ये देखना होगा कि इंडिया गठबंधन में जो अभी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ में रह गए हैं और जिस तरीके से अभी भितरघाट में कई सारी चीजें नजर आई हैं, अंदरूनी कह सकते हैं कि टिकटों को समाजवादी पार्टी की तरफ से टिकटों को लेकर जिस तरीके से सत्ता बदली हुई है, एक सीट पर दो दो प्रत्याशी अपनी दावेदारी पेश करते नजर आए हैं, कांग्रेस भले ही 17 सीटों पर है बाकी की सीटों पर समाजवादी पार्टी है, तो ऐसे में एक बड़ी चुनौती जरूर रहने वाली, क्योंकि पिछले चुनाव में विधानसभा चुनाव में भले ही समाजवादी पार्टी के साथ कई सारे दल और भी थे लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी कांग्रेस की है और कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा जो नतीजे नहीं रहे पिछले चुनाव में, अगर हम पिछले कई चुनाव की बात करें, जी लेकिन इस बार जी देखना होगा समाजवादी पार्टी कांग्रेस जब साथ में चुनाव लड़ते हैं, हालांकि बिल्कुल समाजवादी पार्टी बिल्कुल और कांग्रेस विधानसभा चुनाव पूर्व में विधानसभा चुनाव में साथ में यूपी में लड़ चुके हैं, लेकिन इस बार देखना होगा कि जो लोकसभा चुनाव में दोनों का साथ है तो कितना बेहतर होगा और कितने इसके अच्छे परिणाम आते हैं, तो फिलहाल नतीजों के बाद साफ होगा। जी चलिए बने रहिए, अगर अभी हमारे साथ एक बार फिर से आपका रुख